हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। तो आज हम बनाएंगे ये सुंदर सी स्टार स्टिच। किसी भी रंग, किसी भी साइज और किसी भी थिकनेस की ऊन से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए विषम संख्या की जंजीरें, यानी 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से। तो हम बनाएंगे यहाँ 15 जंजीरें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 15 जंजीरें बनाने के बाद पहली जंजीर हमने छोड़ देनी है और हमने दूसरी जंजीर में अपना क्रोशे डालना है। तो हमारे पास इस अभी जो है एक फंदा है हमारे क्रोशे में, ऐसे ही हमें 6 फंदे हमारे क्रोशे में चाहिए। तो पहला फंदा हमारे पास है, दूसरे फंदे के लिए हमने दूसरी चेन में जाना है, पहली दूसरी चेन में दूसरा फंदा, तीसरी चेन में क्रोशे डालना है, धागा निकालना है, तीसरा फंदा, चौथी चेन में चौथा फंदा, पांचवा और छठा। जब तक हमारे पास हमारे क्रोशे में 6 फंदे नहीं हो जाते, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तब तक हमने इसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करना है। जब 6 फंदे हो जाएंगे तो हमने धागा लपेटना है और सारे फंदों में से एक बार में ही धागा खींच लेना है। धागा खींचने के बाद चेन एक, तो ये बन गया हमारा पहला स्टार। दूसरे स्टार के लिए हमें पहले स्टार से ही शुरू करना है, पहले स्टार के साइड से। तो जो हम पहला फंदा हमारे पास है ही, दूसरे फंदे के लिए जो इस स्टार का सेंटर है, जहां हमने चेन एक बनाई थी, उस पे क्रोशे डालना है, धागा निकाल लेना है, दो फंदे। तीसरे फंदे के लिए हमें ये जो आखिरी वाली ये छोटा सा आपको ये स्टिच दिख रहा है, ये हमारी आखिरी वाला जो छठे फंदे के लिए हमने ये लिया था, तो इसमें हमें अपना क्रोशे डालना है। धागा लपेटा, इसमें से निकाल लिया, तीन फंदे। चौथा फंदे के लिए हमें उसी चेन में जिसमें हमने लास्ट स्टिच बनाया था, चार फंदे। अब अगली दो चेन से पांचवा और छठा फंदा निकालना है, पांचवा फंदा और अगली चेन से छठा फंदा निकाल लिया, 6 फंदे हो गए। अब इन सब फंदों में से धागा लपेट के बाहर निकाल लेना है। और एक चेन बना दी, ये बन गया हमारा दूसरा स्टार। जब भी हम नया स्टार बनाते हैं, हम पहले स्टार के साइड के ये जो एक ये वाला होल, इसके बाद ये वाली स्टिच और तीसरा ये लास्ट चेन, इन तीन में काम करते हैं। एक ये होल ये वाला, दूसरी ये वाली स्टिच और तीसरा ये जो हमारा आखिरी चेन में हमने काम किया था। तो पहला फंदा हमारे पास है ही, दूसरे फंदे के लिए इस सेंटर में डालना है, धागा निकाल लिया, दो फंदे हो गए। तीसरे फंदे के लिए हमें इसमें डालना है, इसमें, तो ये हमने डाला। ये लास्ट का जो हमने छठा फंदा लिया था वो है ये, इसमें से फंदा निकाल लिया। अब चौथे फंदे के लिए जो हमने लास्ट चेन बुनी थी, मतलब लास्ट चेन में जो हमने छठे फंदे के लिए डाला था, वो वाली चेन है, इसमें से हमने हुक लिया और हमारे पास 4 फंदे हो गए। अगले दो फंदे अगली दो चेन से, अगली चेन से पांचवा फंदा, उसके अगली चेन से छठा फंदा। अब इनको सबको एक साथ बुन लेना है और एक चेन,
अगला स्टार ऐसे ही, एक फंदा तो हमारे क्रोशे में है, दूसरा फंदा यहाँ, तीसरा फंदा इसमें, ये जो दिख रहा है छोटा सा, चौथा फंदा इसमें। तो पहला फंदा, दो फंदे हो गए। अब ये जो ये वाली स्टिच है, इसके सिर्फ एक लूप में ये हो गया, इसमें से निकाल लिया। तीसरा इस चेन से चार फंदे हो गए, अगली चेन से पांचवा, और उसके अगली चेन से छठा, छह फंदे, सबको एक साथ धागे से निकाल लिया। चेन एक, अगला स्टार के लिए पहले इसमें से निकालेंगे दो फंदे, फिर इसमें से निकालेंगे, तीन फंदे, चौथा फंदा इसमें से, पांचवा फंदा अगली चेन में से, और छठा फंदा अगली चेन में से। हो गया, इन सबको एक धागा निकाल लें, एक चेन बना लें। अब लास्ट में रह गई हमारे पास सिर्फ एक चेन, इसमें हमने हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो धागा लपेट के क्रोशे डालना है, धागा खींचना है, तीन फंदे हैं धागे में, क्रोशे में, इन सबको एक साथ लेना है। तो ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। तो लास्ट में, फर्स्ट रो के लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशे है। इसको थोड़ा आप टाइट भी बना सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ढीला हो गया। चेन एक बना के और लास्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशे। अब दूसरी रो के लिए एक दो चेन बनाई और पलट लिया। पलटने के बाद हमें ये जो सेंटर में जो होल बना था स्टार्स के, उनमें काम करना है, सिर्फ उनमें, जैसे स्टार के बीच में ये होल है उनमें काम करना है। तो धागा लपेटा और इस होल में डाला, धागा लपेट के निकाला, तीन फंदे, इनको एक साथ बुन लिया। ये हो गया पहला हाफ डबल क्रोशे। दूसरी बार धागा लपेटा, उसी होल में डाला, फंदा निकाला, तीन है, इनको एक साथ बुन लिया, ये हो गए दो हाफ डबल क्रोशे। इस तरीके से दो दो हाफ डबल क्रोशे हमें इन छेदों में बनाना है, सिर्फ कहीं और काम नहीं करना। तो एक और दो उसी में, फिर दोबारा से इसमें एक दो, अगली में एक दो, अगला ये है एक, इसके बाद एक स्टिच बचती है। अगर आप इस तरफ से देखें तो एक स्टिच जो बच रही है, उसमें हमें, जब हमने शुरू किया था तो हमने चेन दो बनाई थी और इन छेदों में काम किया था, उसी तरीके से लास्ट छेद में काम करने के बाद हमारे पास एक स्टिच बचती है, उस पर हमें दो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये पूरा अच्छे से लिया, एक और दो, इस तरीके से हमें बना लेना है।
लास्ट जो होल के बाद इसमें इस वाले में पहला हाफ डबल क्रोशे और दूसरा हाफ डबल क्रोशे, तो इसमें दो हाफ डबल क्रोशे बन जाएंगे। अब जो तीसरी रो है उसमें एक दो तीन और पलट देना। अब इसमें कैसे शुरू करना है, जो ये तीसरी रो है तीसरी और चौथी रो बार बार रिपीट होगी, और इसमें कैसे शुरू करना है हमने, जैसे हमने तीन चेन बना दी, अब इसमें पहली चेन छोड़ देनी है और दूसरी और तीसरी चेन से भी हमने फंदे निकालने हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, तीसरी और चौथी चेन से फंदे निकालने में। तो ऐसे मुड़ दें आप, और ये है हमारा पहला चेन, दूसरी चेन, इसमें से एक फंदा ले लिया और तीसरी चेन में से एक फंदा निकाल लिया। अगले तीन फंदे हमें पहली दूसरी तीसरी स्टिच से निकालने हैं, चार पाँच और छः, छः फंदे। दोबारा से एक बार आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। इसको पहले पलट लें और फिर चेन बनाएं तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। तीन चेन बना दी, पहली चेन छोड़ के दूसरी चेन से फंदा निकालना है दो फंदे, तीसरी चेन से फंदा निकालना है तीन फंदे, अगले तीन फंदे और छः। तो एक फंदा तो हमारे पास क्रोशे में होता ही है, दो फंदे हम दूसरी और तीसरी चेन से निकालते हैं और लास्ट के तीन फंदे पहली दूसरी तीसरी सिस्टे। अब इन सब में से धागा निकाल लेना है और चेन एक बना देनी है। एक स्टार बन गया, दूसरे स्टार के लिए सेंटर में दो फंदे, इस लास्ट स्टिच में तीन फंदे, लास्ट स्टिच में चौथा, अगली स्टिच में पांचवा और उसके अगली स्टिच में छठा, छह फंदे। अब इनको लेके और चेन एक बना देनी है। अब जैसे हम बनाते हैं अगला जो स्टार है वो इसके साइड से शुरू होगा, यानी पहला इस सेंटर से निकालेंगे, दो फंदे हो गए, तीसरा फंदा ये जो लास्ट का जो स्टिच होता है वो बहुत छोटा सा दिखता है, और फिर ये जो पिछला चेन पिछला स्टिच था, चार फंदे हमारे पास, अगले दो स्टिच से छः। इस तरीके से हमने ये वाली रो चेन एक और ये वाली रो आखिरी जो बनाना है इस तरह से बनाना है। बना लिया, अब हमारे पास बच गई एक स्टिच। ये वाली स्टिच इस पे हमने बनाने हैं एक हाफ डबल क्रोशे। ये हमारी हो गई तीसरी पंक्ति कंप्लीट। अब चौथी पंक्ति के लिए एक दो चेन दो बनानी है, और दोबारा से हमें ये जो सेंटर्स हैं इनमें काम करना है, जो आपको छेद दिखाई दे रहे हैं स्टार्स के बीच में। तो पहले दो हमारे बनेंगे
पहले दो हाफ डबल क्रोशे इस वाले उसमें, एक दो, फिर अगले छेद में देखना है हमने, बीच में कहीं काम नहीं करना, सिर्फ यहां काम करना है। और जो लास्ट हमारे पास स्टिच बची है उस पे हमें दो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, एक और दो। फिर दोबारा से हमें जो पांचवी रो स्टार्ट करनी है, तो तीसरी पांचवी सातवीं रो एक जैसी होगी और चौथी छठी आठवीं इस तरीके से वो सेम होंगी। तो तीसरी और चौथी रो में इस तरह से स्टार बने हैं, पहली और दूसरी रो में इस तरह से बने थे। जैसे तीसरी रो में हमने चेन थ्री से स्टार्ट किया था, पांचवी में भी हमें चेन तीन से स्टार्ट करना है। तो या तो टर्न पहले चेन तीन बना दें फिर टर्न करें, या पहले टर्न कर लें इसमें फिर एक दो तीन, और पहली चेन छोड़ के, पहली चेन छोड़ के दूसरी और तीसरी चेन में काम करना है फंदे लेने के लिए। तो एक फंदा तो पहले से ही था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो छह फंदे हो गए। तो इस तरीके से हमने जैसे तीसरी रो बनाई थी वैसे हमें पांचवी रो बनानी है। चेन तो तीसरी रो में चेन तीन से शुरू हुई थी, पांचवी रो भी हमने चेन तीन से स्टार्ट करी। और उसके बाद जैसे हम इनके साइड्स में जो दूसरा स्टार बनाते हैं, अगला स्टार बनाते हैं, वो पहले स्टार के साइड से शुरू करते हैं, वैसे ही हमें ये बनाना है। फिर तीसरी रो बनती है, पांचवी रो तीसरी रो की तरह बनाएंगे, आखिर में एक हाफ डबल क्रोशे, फिर अगली रो के लिए जैसे हमने चौथी रो बनाई थी वैसे ही बनाना है। तो चलिए पहले वाली रो फिनिश करते हैं। तो दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, पांचवा और छठा। तो इस तरह से बनाते हुए आखिरी वाले स्टिच में मिलते हैं। अब ये एक स्टिच बच गया है। जैसे हमने तीसरी रो में लास्ट में एक हाफ डीसी हाफ एचडीसी बनाया था, तो इसमें भी हाफ डबल क्रोशे, इसमें भी हमें वैसी बनाना है। तो फंदा लपेटा और इस स्टिच में डाला, फंदा निकाला, तीन फंदे इनको एक साथ ले लिया, ये बन गई हमारी पांचवी रो। छठी रो के लिए चेन दो जैसे हमने चौथी रो में लिया था और पलट दें। अब इन सेंटर्स में काम करना है, दो दो हाफ डबल क्रोशे, और आखिरी वाले स्टिच में दो हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरीके से हम
तीसरी और चौथी रो बार बार रिपीट करते रहेंगे, और जितना हमें बड़ा हमारा जो हम बनाना चाह रहे हैं जितना बड़ा है उतने बार हम वो तीसरी और चौथी रो रिपीट करेंगे। तो आशा है वीडियो आपके लिए सहायक साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।